तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत और चीन के बीच बड़ा एक बार फिर से तनाव। मोदी सरकार ने इंडियन आर्मी को दिया बड़ा आदेश, कहा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रहे तैयार सेना। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने उड़ाए अपाचे और राफेल विमान। मोदी सरकार ने कहा कभी भी चीन कर सकता है भारत पर हमला। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि मस्जिद निर्माण के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ को बुलाने को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम नहीं बुलाएंगे हिंदू योगी आदित्यनाथ को मस्जिद निर्माण में, देश के मुसलमान ही करेंगे मस्जिद निर्माण का कार्यक्रम। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केरल में बड़ा विमान हादसा, लैंड करते ही फ्लाइट के हुए दो टुकड़े, पायलट समेत 20 लोग की मौत, 190 यात्री विमान में थे सवार। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस को फिर लगा बड़ा झटका, पूर्व मंत्री सहित कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी, भाजपा में हुए शामिल। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार पर आशा कर्मियों को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने बोला हमला, कहा अंधी और बहरी गूंगी है मोदी सरकार, अब तो देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर के खिलाफ ट्वीट को लेकर फंसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हिंदू संगठन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की मांग, डाल दी याचिका, बढ़ सकती है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुश्किलें। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर संजय रावत को शिवसेना ने बताया दाऊद इब्राहिम का कैशियर। वहीं बिहार प्रदेश शिवसेना ने अपने ही नेताओं पर किए हमले, कहा मुख्यमंत्री समेत सभी हैं बॉलीवुड के दलाल। तो बीजेपी के बाद अब शिवसेना ने भी अपने ही नेताओं पर हमला करना शुरू कर दिया है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कमलनाथ पर भारी पड़ी राम भक्ति, कांग्रेस को जामिया निजामिया ने दी धमकी, कहा अब कांग्रेस से उठ गया है मुसलमानों का भरोसा। बीजेपी की तरह ही कांग्रेस नेताओं ने भी पहन लिया भगवा चोला, अब अगले चुनाव में सोचेंगे कि किसको दें वोट। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो भारत और चीन के बीच एक बार फिर से बड़ा तनाव। आर्मी चीफ को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया आदेश, कहा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रहे तैयार। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने अपाचे, राफेल और चिनूकू विमानों को उड़ाया की प्रैक्टिस। जदोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही कि भारत और चीन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। जदोस्तों आपको बता दें कि चीन लगातार LAC से पीछे अपने सैनिकों को हटाने के लिए राजी नहीं है। इसी को देखते हुए आज मोदी सरकार ने भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स को आदेश दिया है कि वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार को अंदेशा लग रहा है कि किसी भी समय चीन भारत के हिस्से में घुसपैठ कर सकता है, और इसी स्थिति से निपटने के लिए मोदी सरकार ने ये आदेश जारी किया है। वहीं आदेश के अनुसार इंडियन एयरफोर्स ने अपाचे और राफेल विमानों को उड़ाया है और प्रैक्टिस की है कि किसी भी स्थिति से चीन से निपटा जा सके। तो स्थिति अब ज़्यादा गंभीर भारत और चीन के बीच बनती जा रही है और युद्ध जैसी स्थिति भी इन दोनों देशों के बीच हो सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद निर्माण के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ को बुलाने को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर दिया साफ, कहा मस्जिद निर्माण में हम किसी हिंदू योगी आदित्यनाथ को नहीं मिलाएंगे, मुसलमान ही करेंगे इसका शिलान्यास। जदोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के बाद न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मस्जिद की नींव रखने के कार्यक्रम में उनको तो ना कोई बुलाएगा, और अगर कोई बुलाएगा भी तो वह इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। अब इसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना बयान जारी किया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव जफर जिलानी ने कहा कि मस्जिद निर्माण के लिए मुसलमान ही आएंगे, जाहिर है कि हम योगी आदित्यनाथ को इस कार्यक्रम में बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। वहीं आपको बता दें कि मस्जिद से जुड़े कार्यक्रम के लोगों ने भी कहा कि मस्जिद निर्माण कार्यक्रम में हमारे इस्लाम धर्म में नींव नहीं रखी जाती है
है और इसलिए योगी आदित्यनाथ को इस कार्यक्रम में बुलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट आई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मस्जिद निर्माण कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्त अगली बड़ी खबर की ओर, तो केरल में हुआ बड़ा विमान हादसा। लैंड करते ही फ्लाइट के दो टुकड़े, 20 लोग की मौत, 10 लोग से ज्यादा घायल, 190 यात्री थे सवार। जा दोस्तों आप बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि शुक्रवार देर रात शाम केरल में एक ऐसा विमान हादसा हुआ है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। जो दोस्तों आपको बताने की वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से 190 लोगों को लेकर आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान केरल के कोझिकोड रनवे पर फिसल गया है और बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल कोझिकोड के कारीपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के वक्त फिसल गया और फिसलने के बाद विमान एयरपोर्ट से सटी घाटी में करीब 50 फीट गहरी खाई में गिरकर दो हिस्से में टूट गया है। इस घटना में विमान के पायलट समेत 20 लोग की मौत हो गई है जबकि कई यात्री घायल भी हुए हैं। भाई आपको बता दें 190 यात्री इस विमान में यात्रा कर रहे थे, तो ये काफ़ी बड़ी घटना हुई है जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है और सभी के लिए दुआ की है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि किस तरह से ये विमान हादसा हुआ है भारत में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस को फिर लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री सहित दो बड़े नेताओं ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी, भाजपा में हुए आज शामिल। जब दोस्तों आपको बता दें, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री सहित दो कांग्रेस नेता शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। दिल्ली दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष पीडी जैन भी अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री और किसान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम कुमार वालिया के अलावा किसान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव संजय कपूर, दिल्ली दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष पीडी जैन ने भाजपा में शामिल हो गए और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। तो लगातार कांग्रेस पार्टी को झटका लग रहा है हर प्रदेश में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आशा कार्यकर्ताओं को लेकर राहुल गांधी ने फिर बोला मोदी सरकार पर हमला। राहुल बोले कि देश में अंधी और बहरी गूंगी सरकार है, इसीलिए आशा बहनों की नहीं सुनी जा रही है आवाज। या दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला करते हुए मोदी सरकार को अंधी और बहरी सरकार बताया है। जय दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आशा कार्यकर्ता देश भर में घर तक स्वास्थ्य सुरक्षा पहुंचाती हैं और वो सही मायने में स्वास्थ्य वॉरियर है, लेकिन आज खुद अपने हक के लिए हड़ताल करने पर मजबूर हैं। सरकार तो गूंगी थी ही, अब शायद अंधी और बहरी भी हो गई है जो आशा कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुन रही है। तो ये काफी बड़ा हमला राहुल गांधी ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो योगी के अयोध्या में मस्जिद उद्घाटन में नहीं जाने के बयान पर सपा बोली यूपी की जनता से मांगे योगी माफी। जय दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में मंदिर निर्माण से पहले भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद सीएम योगी के बयान पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर माफी मांगने को कहा जिसमें उन्होंने अयोध्या में मस्जिद के उद्घाटन में शामिल ना होने की बात कही है। वहीं आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जब मस्जिद का उद्घाटन होगा तो वह इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे और उन्हें कोई बुलाएगा भी नहीं। अब इसी बयान को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी से माफी मांगने को कहा है। जब दोस्तों आपको बता दें कि पवन पांडे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने ऐसा कहकर मुख्यमंत्री पद की शपथ के दौरान खाई गई कसमों को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं है, वह पूरे राज्य के मुख्यमंत्री है, सूबे की समस्त जनता के सीएम है और उनकी इस तरह की भाषा अपमानजनक है और उन्हें लोगों को इस बात को लेकर माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम समुदाय को ठेस पहुंचाई है। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में संजय रावत को बताया दाऊद इब्राहिम का कैशियर, बिहार प्रदेश शिवसेना ने अपने ही नेताओं पर किए हमले। जो दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले को लेकर अब शिवसेना
का विरोध उनकी ही पार्टी के नेता शुरू कर रहे हैं। यह दोस्तों आपको बता दें कि बिहार प्रदेश शिवसेना ने आज संजय रावत को दाऊद इब्राहिम का कैशियर बताया है। वहीं शरद पवार, सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मंत्री आदित्य ठाकरे को बॉलीवुड का दलाल बताया है। बिहार प्रदेश शिवसेना ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में महाराष्ट्र के 3 मंत्रियों का हाथ है। अगर बिहार में कोई भी शिवसेना का नेता आएगा तो हम लोग उस नेता को जबरन 14 दिन के लिए क्वारंटीन करेंगे। वहीं बिहार प्रदेश शिवसेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बयान दिया है और अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो ये काफ़ी बड़ा हमला अपनी ही पार्टी पर शिवसेना के नेताओं ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कमलनाथ पर भारी पड़ी राम भक्ति। कांग्रेस को जामिया निजामिया ने दी धमकी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अपने जनाधार को बचाने के लिए और भाजपा के हिंदुत्व की काट खोजने में जुटे कमलनाथ और कांग्रेस को राम भक्ति काफी भारी पड़ती नजर आ रही है। इस मामले में कांग्रेस का कुल वोट कहा जाने वाला मुस्लिम वर्ग अब उससे नाराज हो गया है। जब दोस्तों आपको बता दें कि स्थानीय स्तर पर मुस्लिम की नाराजगी के बाद इस विषय पर सीधे जामिया निजामिया ने संज्ञान लिया है और उन्होंने कमलनाथ और कांग्रेस को जताते हुए कहा कि मुसलमानों ने उस पर जो भरोसा किया था वह अब बेकार हो गया है। अब मुस्लिम वर्ग को फिर से सोचने की जरूरत है कि वह अगले चुनाव में किसको वोट देंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर और कमलनाथ के वगवादारी रवैयों को देखते हुए जामिया निजामिया ने इस बात के बाद से कौम की सभी महिलाओं को हमारा सलाह लेने की बात कही है और कहा कि अगले चुनाव में हम अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि उसने भी बीजेपी की तरह ही भगवाधारी कर लिया है। तो ये काफी बड़ा झटका जो है कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लग गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्त अगली बड़ी खबर की ओर, तो अगले पीएम के तौर पर कितने फीसदी लोगों की पसंद है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। सर्वे में आया आज बड़ा फैसला निकलकर सामने। जय दोस्तों आपको बता दे कि देश में फैली कोरोना महामारी और LAC पर गलवान घाटी को लेकर चीन के साथ बने तनाव के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी हमला कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब इसी को लेकर देश में एक जो है सर्वे किया गया है जिसमें बड़ा आंकड़े सामने आया है कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में देश में राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी और सोनिया गांधी को कितने लोग पसंद करते हैं। वहीं आपको बता दें कि सर्वे में सामने आया है कि 66% लोग की पसंद अब भी मोदी हैं, जबकि राहुल को बहुत ही कम वोट मिले हैं। राहुल गांधी देश में अगले प्रधानमंत्री के रूप में कुल 6% लोगों की पसंद है, वहीं 5% लोगों की पसंद सोनिया गांधी है। तो देखिएगा आपकी किस तरह से कोरोना महामारी और चीन और विदेश नीति फेल होने के बाद सिर्फ राम मंदिर बनवाने के कार्य से अब भी प्रधानमंत्री मोदी को देश के 66% लोग अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं भारत का। तो ये काफी बड़ा सर्वे हुआ है जिसने आज सबको चौंका दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्त अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर के खिलाफ ट्वीट कर फंसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन वाले दिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ट्वीट किया था जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और है और हमेशा के लिए रहेगी। अब इसी ट्वीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ याचिका दायर की गई है और इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई करने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना और उसका अपमान क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पूरे क्षेत्र पर राम मंदिर बनेगा, वहीं मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अयोध्या में ही कहीं दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी राम मंदिर भूमि पूजन वाले दिन इनने इतना विवादित बयान दिया और ट्वीट किया जिसके बाद हिंदुओं की भावना भड़की और अब इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कड़ी कार्रवाई करे। अब इसी को लेकर याचिका डाली गई, देखते हैं कि आगे इसमें क्या मसला निकल कर आता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है। अपनी बात को रखने का